हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। बल्कि वेलकम बैक नहीं, मेरी पहली वीडियो है फेस टू फेस। तो आज मैंने कंटेंट ये जो सोचा हुआ था, बहुत टाइम से मैंने सोचा हुआ था कि मैं कंटेंट बनाऊंगा, बट मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। तो आज मैंने कहा कि आज मैंने बनानी ही बनानी है, चाहे जो मर्जी हो। तो आई एम हेयर नाउ। सो कंटेंट बहुत ही डिफरेंट है और बहुत ही यूनिक सा कंटेंट है कि मैं साथ साथ एक हॉरर एसएफएक्स लुक करूंगा और साथ ही साथ आप लोगों को हॉरर स्टोरीज भी बताऊंगा, ठीक है। सो आई होप ये वीडियो अच्छी जाएगी और मैं थोड़ा सा नर्वस भी हूँ बिकॉज पहली वीडियो, सो यू गाइज कैन अंडरस्टैंड। और बहुत बहुत थैंकफुल हूँ अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, साथ लाइक बटन उसको भी प्रेस कर दें, अपने सब फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर कीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो सारे प्रोसेस से पहले मैं यूज करूंगा मॉइस्चराइजर बिकॉज मॉइस्चराइजिंग द स्किन इज सो इम्पॉर्टेंट, ठीक है। और ऐसे फेक मेकअप थोड़ा रिस्की भी होता है, दैट्स व्हाई। सो लेटली आई बीन एक्सपीरियंसिंग विद दिस आयशोमल ब्यूटी जेल मॉइस्चराइजिंग मल्टीपर्पज मॉइस्चराइजर, ठीक है। दिस इज अ बेसिकली ऑर्गेनिक मॉइस्चराइजर जिसमें काफी सारे हेल्पफुल इंग्रीडियंट्स है, लाइक एलोवेरा एक्सट्रैक्ट, ठीक है, लीफ जूस, चारकोल एक्सट्रैक्ट। चारकोल एक्सट्रैक्ट में इसमें जो समर सीजन के लिए काफी बेस्ट है बिकॉज इसमें थोड़े से चारकोल पार्टिकल्स भी हैं, ये देखिए छोटे छोटे, ठीक है। सो गर्मियों के लिए काफी बेस्ट है। और लेट्स स्टार्ट। सो लेटली सच्ची बात बताऊं तो मैंने खुद भी नहीं सोचा कि मुझे किस टाइप की लुक करनी है, तो देखते हैं किस टाइप की लुक बनती है एट द एंड। तो आप लोग साथ रहिएगा पूरी वीडियो और स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस एरिया को कवर करूंगा, ठीक है। और इस एरिया को कवर करने के लिए मैंने अपनी घर की बनाई हुई फेस क्ले पुटी बनाई है, ठीक है। अगर आप लोगों को इस पर ट्यूटोरियल चाहिए तो आप लोग मुझे वो भी बता सकते हो, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट स्टोरी की तरफ चलते हैं जो मैं हमारे साथ खुद ही वाकया पेश आया था, ठीक है। ठीक है, तो पहले वो सुनाऊंगा। फर्स्ट हम जब हमारे छोटे थे तो हम वेकेशन पे गए थे एक्चुअली मरी के लिए, ठीक है। तो मरी पे हमें बहुत रात में जाके एक होटल मिला था, ठीक है, बहुत ही रात में जाके। मतलब हम सुबह से आउटिंग वगैरह कर रहे थे, हमने कहा कि ये होटल का क्या है, होटल तो इजीली मिल जाएगा। बट हमने बहुत स्ट्रगल किया और बहुत स्ट्रगल के बाद एक हमें वो पहाड़ी के कोने पे जाके होटल मिला। होटल का मुझे नाम भी याद है अभी तक तो, लेकिन मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि बाद में मुझे डर लगेगा और आप लोग में से भी अगर किसी ने स्टे किया होगा तो आप लोगों को भी डर लगेगा। तो नहीं उस होटल में गए, हमें पहले पहले थोड़ी सी अजीब सी वाइब आई थी, ठीक है। तो इसको भी साथ लगा लेते हैं। बहुत ही अजीब सी उस होटल में वाइब थी, कुछ समझ में, मतलब बहुत ही अंदर घुसती ना, सर जैसे चकरा नहीं जाता, वो वाली फीलिंग थी। सारे थके हुए थे क्योंकि सब इंजॉयमेंट कर करके सारे थके थे, तो सारे सो गए, ठीक है। उसके बाद आधी रात को मामा की आंख खोली, ठीक है। मामा ने देखा कि वॉशरूम, उसकी वॉशरूम वाली साइड ना जैसे ना एरिया छोटा सा बना होता वैसा था। तो जैसे ही मतलब आधी रात को मामा की आंख खोली तो मामा ने देखा कोई लंबा सा आदमी, बहुत लंबा सा, ठीक है, और इस तरह करके ना सर का। मामा तो पहले जैसे नींद में बंदा उठता ना एक दफा देखता है इस तरह से करके, पहले तो वो वाली फीलिंग आई, ठीक है। तो वो वाली फीलिंग आई इस तरह, तो एक दफा मामा ने ना आंखें बंद कर लिया, मैंने इग्नोर की, हाँ वहम है, ठीक है। तो इस तरह करते करते ना वो सो गई क्योंकि उन्हें भी डर लगने लग गया था, ठीक है। तो साथ ही साथ उसके बाद जब सुबह इस वाक्य को मतलब पापा के साथ भी ये वाकया पेश आया था कि उनको भी ये नजर आया। पापा कहते मैं जिंदगी में पहली दफा डरा और उन्होंने भी देखा था, लेकिन वो वहम नहीं था। ये क्या हद है, ये क्या मजाक, क्या है ये, मैंने इसलिए बिठाया मैं तुम्हें कैमरे के लिए। वन सेकेंड। सो फाइनली आई एम बैक और मैंने ये भी कंप्लीट की यहां से साइड पे। मैंने किस तरह लगाया, मैंने लिक्विड लेटेक्स यूज की है, लिक्विड लेटेक्स मैंने यूज किया नोना क्लासिक वालों का, ठीक है। पाकिस्तान में एक ऐसा है पेज है इंस्टाग्राम पे जो एसएफएक्स मेकअप प्रोवाइड करता है, वरना पूरे पाकिस्तान में एसएफएक्स मेकअप है ही नहीं, ठीक है, चीप प्राइस है, सो यू कैन चेक देम आउट, ठीक है। और लिक्विड लेटेक्स की हेल्प से मैंने एक क्ले को यहाँ पे चिपकाया है, ठीक है, इस तरह करके साइड से बना के, ठीक है। तो अब बढ़ते अपनी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। नेक्स्ट स्टोरी मेरी छोटी तो नहीं मेरी बड़ी सिस्टर है, ठीक है। उस टाइम वो छोटी थी, उसके साथ पेश आया था। तो
नानों के घर गए थे वे थे तो ये लोग तो ना वहां पे ना एक कोने पे कमरा था, मैं तो मतलब देखते रहता हूँ मुझे पता है। तो ना वो ना अब तो उन्होंने चेंज कर ली थोड़ा सा, तो वो कमरा था तो ना बहुत ही बड़ा कमरा था और ना अजीब सा था वो ना, मतलब अंधेरा अंधेरा सा फील होता था। तो ना उधर ना जब भी लोग जाते थे ना तो इनको वो रूम मिलता था सोने के लिए, ठीक है। तो एक दिन मेरी सिस बता रही थी कि एक दिन ऐसा हुआ कि वो रात हो आधी रात को उठी है, ठीक है, और आधी रात को उठी है तो उसने देखे कि कोई ना इस तरह करके बैठा हुआ है, कोई ना इस तरह करके बेड के ऊपर बैठा हुआ है, ठीक है, मामा वाली साइड पे, ठीक है। होता ना मतलब आंख अंधेरे में उठता ऐसा करके देखता है कि ये क्या है। तो देखते रहे एकदम से ना वो गायब होता होता पूरा गायब हो गया। वो एकदम फीलिंग आती है अंदर से कि हाय 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 ये क्या हुआ। वो एक ना वो हाथ पांव पसीने वाले और पूरे वो जो एक हो जाता है इंसान की कैफियत, वो वाली कैफियत कहती मेरी होगी। और मैंने चुपचाप आंखें बंद कर ली, सागर दूसरी सिस्टर सो रही थी उसको अच्छे से पकड़ के तो बाद में सो गई। और कहती मुझे अभी तक वो मतलब जो क्लिप है ना वो वाला जो क्लिप है पूरा, मतलब जैसे वो देखी वो अभी तक मुझे याद है कि कैसे वो एक औरत पूरी बैठी हुई थी ऐसे बिल्कुल ब्लैक और वो ऐसे ऐसे करके गायब हो गया। जब से मुझे पता चला, जब से मैं उस घर में गया, मैं उस कमरे के अंदर घुसा नहीं दोबारा से। पहले भी मुझे उस कमरे के डाउट्स, उस कमरे के वॉशरूम से मुझे इतना डर लगता था, ऑनेस्टली बताऊं तो मुझे बहुत डर लगता था। एक तो वहां पे कीड़े बहुत होते थे, एक तो वहां कीड़े बहुत होते थे और अक्सर हम छुपन छुपाई वगैरह खेलते थे, तो वहां मैं कभी नहीं छुपा। एक दफा मैं छुप गया, मुझे इतना कोई डर लगा, इतना मुझे डर लगा मैं बाहर आ गया, मैं पकड़ा गया, ठीक है। तो उसके बाद मैं नहीं छुपा। Oh my God! Wow! पता मेरा मूड थोड़ा चेंज हो रहा है, मेरे दिल में इसके अंदर इस तरह के नेल्स डालो से कवर करूंगा फुल फेस को भी, ठीक है। पहले हाफ फेस करूंगा, देन नेक्स्ट टाइप पे जब दूसरा स्कार बनाऊंगा तो दूसरी साइड पे कर लूंगा, ठीक है। आई एम यूजिंग दिस अनास्तासिया फाउंडेशन इन द शेड 130N, ठीक है। इसको एक पंप लूंगा मैं ऑन द बैक ऑफ माय हैंड, स्प्लिटिंग ब्रश से मैं लेके स्प्लिट करूंगा लाइक दिस, ठीक है। तो ये मैंने कर लिया फुल फाउंडेशन से कवर, ठीक है। अब मैंने लिए है फाउंडेशन अनास्तासिया की, ठीक है। आप अपने स्किन टोन से कोई भी फाउंडेशन ले सकते हैं, ठीक है। और ऑल यू हैव टू डू जस्ट मैच करना है इसको अपनी स्किन टोन से, ताकि ये जो बनाया है ये मैच करे स्किन से और रियल लगे। सो हियर आई एम बैक, और मैंने जल्दी जल्दी से ये अपने कुछ यहाँ पे स्कार्स बनाया, ठीक है। ये मैंने किस तरह बनाया, टिश्यू पेपर और लिक्विड लेटेक्स की वजह से, सिंपल है। मैं जरा वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता, इससे मैंने ऑफ कैमरा किया, ठीक है। इसके अंदर मैं फिलिंग, तो इन स्कार्स को मैं ब्लैक कलर से अंदर फिल करके, ठीक है, या आप जो भी अंदर फिलिंग करना चाहते रेड पेंट भी कर सकते हैं, स्किन पेंट भी कर सकते हैं रियलिस्टिक लुक के लिए, ठीक है। मैं भी अंदर के लिए ब्लैक पेंट करूंगा और ब्लैक पेंट कवर करके थोड़ा टाइम सेव करने के लिए मैं इनके अंदर कवर करके तो मैं अगेन आता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने स्कार्स को ब्लैक कलर से फिल कर लिया। अब मैंने यहाँ पे स्कैप लग घर में बनाया है लाइक इट लुक लाइक दिस, ठीक है। और इसी के साथ हमने नेक्स्ट स्टोरी की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्टोरी बहुत मजे की है, ठीक है, पूरी सुनिएगा। सो नेक्स्ट स्टोरी जो है वो दादी के साथ पेश आई थी। तो बेसिकली हुआ क्या था, तो दादी की थी कि मैं घर में बना रही थी खीर वगैरह, ठीक है। तो वहां पे उनके हस्बैंड के कोई फ्रेंड वगैरह आए, ठीक है, किसी काम से, तो उन्हें नहीं पता था कि इनके पास जिन वगैरह होते हैं, ठीक है। तो हुआ क्या कि उन्होंने पूछा कि आज क्या बना रही हैं आप, ठीक है। तो दादी ने रिप्लाई दिया, तेरे बाबा जी का ठेंगा। ये रिप्लाई उन्होंने सुना तो उनको बहुत ही गुस्सा आया, ठीक है, लाइक लिटरली वो आग भगोदा हो गए। उन्होंने दादी को एक चरपाई से उठा के दूसरी चरपाई, एक चरपाई से उठा के दूसरी चरपाई। दादी ने कहा कि उसके बाद घर में जो चीज बनी है ना, सबसे पहले अगर वो आए तो उनके आगे अपने आप हाजिर होगी। Oh my God! Wow! नेक्स्ट स्टोरी एक मेरी मामा की दादी के साथ हुई था, ठीक है, पुराना वाक्य। तो उस टाइम ये गाड़ियां वगैरह नहीं होती थी, ठीक है। तो मेरी माँ बताई थी कि मेरी दादी ना मतलब काफी
खूबसूरत थी, ठीक है, तो उनकी नई नई शादी हुई थी, ठीक है, तो उस टाइम दौर में क्या होता था, जो बहुत अमीर लोग होते थे ना, तो वो इसी तरह ना उसमें घोड़ों पे बैठ के ना उनकी मतलब बारात वगैरह जाती थी, ठीक है, तो वो ना पूरा मतलब बारात वगैरह जा रही थी और थक गए सारे, ठीक है, तो थक गए तो उन्होंने कहा कि एक जगह पे रुकते हैं, ठीक है, रेस्ट के लिए, ठीक है, रेस्ट के लिए एक जगह पे वो लोग उतरे, तो वहां पे प्यास, सारे सबको प्यास लगी, ठीक है, तो सबने कहा कि चलो पानी वगैरह पीते हैं, तो वहां पे एक कुआं था, ठीक है, तो एकदम से ना वहां पे ना ढोल वगैरह की आवाज आने लगी, ठीक है, बहुत शोर शराबे की थी, ठीक है, तो सारे चुप कर गए एकदम से, तो ना तो जो दादी थी तो उनके लिए उन्हें नहीं पता था क्या हो रहा है, ठीक है, तो वो ना उन्होंने कहा ये हो क्या रहा है, ठीक है, सब ने उन्हें चुप कराया, चुप करो चुप करो, तो वहां पे एक बुजुर्ग थे, उन्होंने कहा कि जिन्हों की बारात जा रही तो कोई बोले ना, ठीक है, लेकिन अब तो वो बोल चुकी थी, तो उसके बाद जब दादी घर आई है, ठीक है, उसके बाद दादी घर आई है तो उनके उनको रात को वो चुड़ैल आई उनके पास और उनको इतना डराया, उन्होंने इतना डराया, और मेरी मामा बता रही थी कि जब तक वो मतलब उनकी डेथ नहीं होने वो तब तक उनको डराती नहीं है, मतलब उनकी साथ रहती नहीं है, कभी ना कभी आती नहीं है, और एक दफा क्या हुआ था, एक दफा तो ऐसा हुआ, मेरी आंटी थी, ठीक है, वो भी अब फोत हो गई है, तो उन वो एक दिन ना मतलब कहते ना कि कोई ना कोई दादी के साथ सो जाए, तो एक दिन उनको कहा कि ना दादी के साथ ना आप सो जाओ, ठीक है, तो जब वो सोने के लिए गई तो रात को ना उनके पास कोई आया, ठीक है, कोई आया उन्हें देखा है तो ना प्रॉपर, तो उन्हें उठा के तो कुछ ज्यादा ही हो रहा है, तो उन्हें उठा के एक टोकरी में रखा है, ठीक है, और टोकरी में रख के वो चुड़ैल जो है पहले तो मारा उन्हें एक छपाई से उठा उठा के, ठीक है, बाद में एक टोकरी पे लेके उन्हें हर घर में लेके गए और हर घर का दरवाजा खटखटा के बोला चूड़ियां ले लो, चूड़ियां ले लो, लाइक लिटरली जब मैंने वाक्य सुना तो मेरे तो होश ही इस तरह आ गए कि लिटरली कि इतना मतलब उनमें था, कहती मैं अंदर से, वो कहती हूँ अंदर से वो सुन थी, कहती अंदर से मैं सुनती, मुझे इतनी हिम्मत थी कि मैं कुछ आ भी कर सकूं, तो कहती जिसके बाद ही बोलूं तो किसी को कोई आवाज ही ना आती, इस तरह फील होता, तो कहती उसके बाद दादी के पास मतलब कोई बच्चा नहीं सोया इस वाक्य के बाद, तो ये भी एक वाक्य था, तो लिटरली मैं भी कुछ इसको एडिट्स वगैरह देता हूँ, तो उसके बाद एंड लुक देखते हैं एंड लुक कैसी है, ठीक है। डरिएगा मत, लेट्स गो। उम्मीद करता हूँ आप लोग को आज का गेटअप पसंद आया होगा, साथ में हॉरर स्टोरीज भी। अगर आपको इसी तरह की एक्साइटिंग और डिफरेंट कॉन्टेक्ट पे वीडियोस देखनी है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक दे दीजिए और साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी टर्न ऑन कर दीजिएगा और प्लीज ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।